फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वर्षा रेसिपी चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं वाटरमेलन कैंडी। तो इसके लिए हमने ये वाटरमेलन लिया है फ्रेश, तो इसमें से जो बीज है ना वो हम निकाल देते हैं। इसके साथ लिया है एक लेमन, शक्कर और काला नमक। तभी इसको हम निकाल दें, जितना भी हो सके ना उतना हम निकाल देंगे। अभी लेमन को हम साइड पर रखते हैं। जितना हो सके हमने सीड्स निकाल दिए हैं, पर ये पूरे नहीं निकलेंगे, अगर रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम इसे पीस बना देते हैं। छोटे बड़े कैसे भी आप बना दीजिए, क्योंकि हमें इसे मिक्सी में करना है। देखिए इस तरह से हमने पीस बना दिए हैं। अभी इसमें हम डाल रहे हैं काला नमक, इसका भी स्वाद बढ़िया सा आता है और डाइजेस्ट के लिए भी ये बहुत बढ़िया सा है। डालते हैं लेमन। मैंने एक लेमन लिया है, उसका जूस निकाल रही हूँ। उसके सीड्स अंदर नहीं जाकर गई तो आप निकाल दीजिए, नहीं तो ये कड़वाट आ जाइए। अभी लेते हैं 3 टेबलस्पून जितनी शक्कर। अभी इसे हम मिक्सी में कर लेते हैं, उसके बाद इसे हम पानी डालेंगे। अभी इस तरह से हमने जूस बना दिया है, पर इसमें खटास कम है तो मैं इसमें और आधा लेमन जूस का जूस निकाल रही हूँ। थोड़ा खट्टा मीठा होगा तो बहुत बढ़िया से टेस्ट आएगी। अभी इस तरह से निकाल दिया है, तो इसमें हम करेंगे थोड़ा पानी ऐड, आधा कप जितना, और वापस इसे हम मिक्सी में चला लेते हैं। लीजिए इस तरह से रेडी हो गया है। अभी इसे हम छान लेते हैं स्टेनर से। अभी इसे छान लेते हैं, जो एक्स्ट्रा बना वो निकल जाएगा सब। देखिए इस तरह से हमने छान लिया है। अभी इस तरह से मैंने ग्लास लिए हैं, तो मैं इसे इस तरह से सेट कर देती हूँ। जितने भी भर जाए उतने हम डाल देते हैं। इसमें हम बाद में स्टिक डालेंगे। और एक इसमें आएगा। देखिए इस तरह से हमने 5 ग्लास भर दिया है, मीन्स 3/4 जितने हम मैंने भरे हैं, पूरा नहीं भरा है। और इसमें मैंने जब ये थोड़ा जम जाएगा उसके बाद मैं इसे स्टिक डालूंगी, और उसके बाद मैं आपको जब कंप्लीट हो जाए तब मैं आपको बताऊंगी। 1 घंटे के बाद हमने निकाल दिया है, अभी हम इसे निकालते हैं। वाह, देखिए एकदम इजीली निकल जाती है। वाह मस्त। देखिए हमारी वाटरमेलन रेसिपी रेडी हो गई है, कितनी सुंदर लग रही है। देखिए इस तरह से बनाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आया तो फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए, और इस तरह से जरूर बनाइए। कितनी बढ़िया सी है, तो आप इसे 2-3 दिन भी खा सकते हो। जब भी आपका मन करे तब आप फ्रिज में से निकाल के खा सकते हो। एकदम यम्मी सी। वाह, इस तरह से जरूर बनाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।